तो गाइस पापा किसी को याद करके रो रहे हैं। बार पाक इसको याद कर जी रहे गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइस कैसे आप सब, बहुत ही बढ़िया होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस अभी एक वीडियो डाली है, ऑलमोस्ट 12:15 पे जाके एडिट हुई है, उसके बाद डाली है 11:30 तक, 12 बज गए, वीडियो आ गई होगी। सो अभी का प्लान ऐसा है कि मैं मैगी बनाने जा रहा हूँ। मैगी नीचे गया नहीं हूँ मॉर्निंग से, तो यहाँ पे मैगी खा के ही चलते हैं। मैगी खाने का मन कर रहा है सुबह सुबह, सो मैगी खाते हैं फिर नीचे चलते हैं। पहले मैगी बनाते हैं, पानी बॉयल हो रहा है उसके बाद बनाते हैं मैगी। और मेरी कॉल आ चुकी है दो बारी, वो नीचे से ठीक क्या कर रहा है अभी तक, एडिट करने में लगा हूँ वीडियो, रात में कर नहीं पाया, टेंडर हो गई थी फाइल, मतलब वीडियो अपलोड हो गई थी उस पर ऐप पे, तब तक मैं सो गया। सो मॉर्निंग वो ठीक करना पड़ा, टाइम लग गया। सो पानी बॉइल हो चुका है, अब मैगी डालते हैं इसमें और मसाले डालते हैं। तो गाइस हमारी मैगी रेडी होने वाली है, खा के चलते चलते हैं नीचे। भाई हमारी मैगी बन चुकी है, अब इसी में खा लेते हैं, क्योंकि अब प्लेट गंदी हो जाएगी, फिर वापस से धोनी पड़ेगी, सो इसमें ही खा लेते हैं। सो गाइस मैं वापस से रेडी हो गया, वही पुराने कल के कपड़े डाल के, और अभी टाइम हो रहा है 5:15। और अभी का प्लान ऐसा है कि अभी सविता रखा है हमारे पास, और वही पुरानी बात है, न्यू ईयर का प्लान बना लो और यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, जो कि कुछ बन नहीं पाता हमेशा की तरह, बातें होके ही रह जाती हैं। हाँ गाइस तो अभी देखते हैं, हम दोनों जा रहे हैं दिनेश के पास, और कुछ देखते हैं उसके पास, टाइम फोड़ता है थोड़ा अपना, सभी का टाइम कट नहीं रहा था अकेले, सो जी हमारे पास आ गया, हम भी चलते हैं अपना टाइम काटने दिनेश के पास। तो दिनेश आर यू रेडी, वी आर कमिंग, हम लोग चलो गाइस चलते हैं। चलो गाइस हम पहुंच चुके हैं दिनेश के घर। हाय गाइस, हेलो गाइस, आई एम दिनेश, बताएगा हमें कहाँ जाने वाले हैं आज, हम चलते हैं कहीं घूमने। सो गाइस दिनेश ने बोल दिया पहले आदित्य जिम गए हैं, आदित्य को जिम से उठाते हैं और फिर चलते हैं, देखते हैं कौन सा एक्सरसाइज कर रहा है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा। चलो गाइस अभी डिस्कशन चल रहा था कि इस चैनल पे तो व्यू नहीं आ रहे बिल्कुल भी, सो प्रैंक चैनल खोलने की सोच रहे हैं, और सबसे पहला प्रैंक होगा सविता के पापा के साथ, सविता के पापा के साथ। कौन सा प्रैंक? कोई प्रैंक नहीं, अबे बाद में बता देंगे ना, ठीक है मजाक करते हैं और भाई, ये घर वाले मजाक नहीं समझते। अबे मतलब ज्यादा थोड़ी मारेंगे, ज्यादा मारेंगे, एक नाक से खून निकल रहा भाई, जितना मारेंगे उतने ज्यादा व्यू आते हैं ना भाई, और क्या, जितना मार खाएंगे उतने ज्यादा व्यू, उतने ज्यादा पैसे, जब पैसा आने लगेगा तो वो मार कीमत, और भाई घर वाले तो मारते हैं, मेरे पापा तो, मेरे घर वाले तो मारेंगे नहीं, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा, मेरे घर वाले तो फ्रैंक है नॉर्मल चीज़ है, तुम जो पिटेगा वही बनाएगा। तो भाई सविता मारे दिनेश भी नहीं कर सकता अपने घर पे, क्या पिटेगा इसको, तो घर से बाहर निकाल देंगे। तो भाई वो तो पता नहीं है क्या, मैन टू मैन कन्वर्सेशन होगा कि चलो बेटा हमारे बोलते हैं। लेकिन सविता के घर वालों को मैं जानता हूँ, बहुत बुरी तरह मारते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है तो मुझे पता है। तो थोड़ा बताओ यार हमारे गाइस को भी बताओ किस तरह मारा था भाई, बता वो दृश्य मना कर रहा है भाई, वो अभी नहीं बता दे कुछ ऐसा कर रहा है। तो भाई मैं बताता हूँ, उसको बहुत बुरी तरह चप्पल से मारेगा, चाटे चाटे मारे और फिर गाइस ये लोग भाग रहा था कि हमारा नंबर ही आने वाला है, ये भाग भी गए थे कि हमें भी ना पड़ जाए, सुट बैठ गए थे ये लोग। ये मैं बचपन से कि हम यूट्यूबर बनना चाहते थे, क्योंकि हमें पैसों से मतलब नहीं है, पैसा बहुत है लेकिन फेम चाहिए, फेम चाहिए, फेम सिर्फ फेम के लिए कर रहे हैं गाइस हम, इसको फेम चाहिए मुझे पैसा। सो गाइस दोनों का हो जाएगा जुगाड़, सब इसको भी चाहिए पैसा, हम वेट कर रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे हम वेलो की तरह यहाँ पे गली में खड़े हैं, तो ऐसा नहीं है, हम वेट कर रहे हैं आदित्य का, उसके बाद हम कहीं घूमने जाने वाले हैं, तो देखते हैं आदित्य के आते के साथ ही प्लान बनता है। सब्सक्राइब हो गए, होता है हल्का बहुत होता है, एक किलो भी मुश्किल, एक किलो निकलेगा मतलब सर तुम खाते हो क्या, ये कह रहा हल्का होता है, वो कह रहा है एक किलो निकलेगा।
सो गाइस पता नहीं ये लोग कैसी जानवर वाली बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं खरगोश खाते हैं। गाइस मैं चिकन वगैरह भी नहीं खाता है, खरगोश तो बहुत दूर। ये जो है ना ये शाकाहारी था पहले, इसने इसको मांसाहारी बनाया है। अभी यार तो उसकी श्रद्धा है, अभी लाइट कम हो गई यार। सो गाइस कोई प्लान नहीं बना एट द एंड। आदित्य आ नहीं रहा। बिल्ली बिल्ली तो भाई बिल्ली ने रास्ता काट दिया। कितना देखा टेम्परेचर मानो भाई? वही फोर्थ या फिफ्थ क्लास में था जब। कितना हुआ उसका? एक टेम्परेचर खाले बहुत ज़्यादा नहीं हो गई यार। एक ज़्यादा था भाई, तू देख लिए ना दिल्ली का मिनिमम टेम्परेचर कितना था? एक टेम्परेचर मतलब उस टाइम में मैंने एक देखा था, वो रात को जीरो भी गया भाई। सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी बर्फ भी नहीं पड़ी भाई, माइनस भी नहीं गया। बर्फ़ पड़ जाती है जीरो में। ज़रूरी है क्या बारिश भी तो होनी चाहिए? बर्फ़ नहीं खाले स्नोफॉल के लिए बारिश की जरूरत नहीं पड़ती। फिर किसकी बर्फ पड़ती है? बर्फ तो गया था बारिश देखते हो वहाँ पे केदारनाथ। गाइस इन लोगों ने पता है क्या लॉजिक लगाया था? एक बार ये केदारनाथ गए थे, ठीक है, एक बार नहीं हमारे साथ यही था और असली प्लान इसने बनाए थे। तो बताए वहाँ पे ना वो देखा वेदर 8 दिन का, उसमें लिखा हुआ था बारिश का। ये कह रहा है कि क्या भाई नहीं नहीं बारिश में मजा नहीं आएगा भाई, बारिश हो रही है ना तो ठंड इतनी है, वो बारिश नहीं होगी वो स्नोफॉल हो जाएगी। तो ये देख के हम चले गए उत्तराखंड, वहाँ पर भाई फंस गए, ना इधर जा पाए ना उधर, हो नहीं पाया हमारा। बस दो टेम्परेचर चल रहा है केदारनाथ का। अभी बद्रीनाथ भी बंद होगा ना? बद्रीनाथ नहीं बंद नहीं हुआ, खुला रहता है ना। केदारनाथ बंद होगा, बंद है यार। चले अब तो कोई प्लान ही नहीं है तेरे पास? कल देखते हैं कहाँ प्लान बना लो भाई, कल भी फ्री है। मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे पापा भी आ चुके हैं और गोभी लगा पड़ा है टाइम फोर में। मौसी से बात कर रही है हर बार की तरह, पापा को ठंड लगते हुए। हाय एक्साइटेड हो जाते हैं काफी ज्यादा। सो गाइस अभी देखते हैं क्या प्लान बनता है, अभी का दिखाते हैं आपको। अभी दिनेश के यहाँ गया, मैंने सोचा कहीं घूमने का प्लान बनेगा, दिनेश ने मुंह फेर नहीं लिया। मतलब दिनेश कह रहा है कि अभी स्कूटी मिल नहीं पाएगी, उसके पापा घर पे ही हैं, उनको कुछ जाना था कहीं पे मार्केट वगैरह, तो कह रहा है कि कल चलते हैं कहीं। सो देखते हैं कल का ही प्लान बनता है कि नहीं। उन लोगों का ऐसे ही है, कोई प्लान बनता नहीं है। सो मुझे अकेले जाना पड़ता है हर जगह। सो देखते हैं कल का अगर प्लान बनता है कि बाहर जाने का, जाएंगे सब साथ में। और सभी का पेपर भी है, सो पेपर दे के आएगा उसके बाद ही चलेंगे। मैं इंट्रोडक्शन देना एक बार उन्हें। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल, मतलब वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल, माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, होपफुली आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ, भगवान करे आप लोग भी। भाई मम्मी अभी हमारे लिए चाय बना लिया है। रात में चाय कौन पीता है? हमें को चाय की इतनी तलब है। अपन पीता है, अपन टप्पन यहाँ पे नहीं, मुंबई जाके हम लोग चाय पीते हैं। इस साइड का बन रहा है खाना, इस साइड बन रही है चाय। चाय पीती फेन खाती। सो गाइस नेक्स्ट मंथ हम जा रहे हैं अपने गांव, अपने होम टाउन बिहार। सो वहाँ पे आपको मस्त मस्त वीडियो देखने के लिए मिलेगी। हम सब जा रहे हैं बिहार, खेत आप लोगों ने कभी देखे नहीं होंगे? नहीं देखे होंगे लेकिन हम लोग बिहार के तरफ नहीं देखे। सो हम अपने खेत दिखाएंगे, हम सारी चीजें बताएंगे आपको वहाँ पे जाके। काफी अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। अभी टाइम हो रहा है 7:23 और अभी हम खा रहे हैं चाय और फेन। चाय इसमें थोड़ा दूध भी मिला रखा मैंने, तो
तो गाइस आज मैंने मॉर्निंग से कुछ खाया नहीं, आज मेरा फास्ट हो गया। अच्छा नहीं, मैगी खाई थी। मैगी खाने के बाद मैंने कुछ नहीं खाया, अभी शाम हो गई है सो ही खा लेते हैं। उसके बाद खाना खाएंगे। ये आज खाना जरूरी है, शनिवार है ना, शनिवार के दिन खाना चाहिए भैया। भुजा खिचड़ी। सो गाइस चम्मच शनिवार को ये खाते हैं। पोहा। पापा रोमांटिक गाने सुन रहे हैं 90s के, सुनाता हूँ आपको कौन से गाने। सो गाइस पापा से पूछने चलते हैं कौन क्यों सुन रहे थे रोमांटिक। सो गाइस पापा किसी को याद करके रो रहे हैं। किसको याद कर रहा? ये मुमताज को याद कर रहे हैं। उस टाइम की पॉपुलर हीरोइन मुमताज बेगम, जया भादुड़ी। सो गाइस मैंने पापा को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर दिया है, एक्सपोज कर दिया है। देख कर जी रहे ये शर्बतिया इन्हें देख कर। डांस करो गाइस। मैं डांस करने जा रहा हूँ गाइस। खाने रेडी हो चुका है, मम्मी खाना खा रही है। तो खाने में अभी क्या है आज मम्मी? चावल और आलू मटर का सब्जी, चावल और चटनी। चटनी किस चीज़? धनिया पत्ता की चटनी, आलू पत्ते की सब्जी और चावल। सो खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं और फिर चलते हैं ऊपर अपने अड्डे पे, मतलब कि अपने रूम में। सो गाइस ऊपर अपने रूम में पहुंच चुका हूं मैं, अभी बाहर हूं। हम चलते हैं अंदर। प्लांट देखो कितने मस्त लगे, दोनों साइड लगे हुए। इस साइड कम आए हैं, इस साइड ज़्यादा आ चुके हैं। लगाए थे दोनों साइड से, गेट का व्यू आया मस्त। तो पता नहीं ये इसकी ग्रोथ बहुत धीरे हो रही है, सो ये भी बढ़ेंगे इसकी तरह। सो गाइस अभी पीसी कर लिया है ऑन, पीसी ऑन कर लिया है। अब करते हैं वीडियो एडिट और इस ब्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पे एंड, और मिलता हूँ कल आपसे एक और बेहतरीन ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, बाय।